टीका देखो ना, कोनो हराए का शिकार। नहीं भाभी जी, चिल्लू भैया देखिए ना, कोनो शिकार आ रहा है का? ना भाभी जी, कोई भी शिकार ना आ रही अब तक। भाभी जी, अनिता भाभी के घर से है ना कोई शिकार आ रहा है। हाय दिया, चंदा है तू मेरा, सूरज है अंगूर। कोई सड़ीदार और कीचड़ के साथ होली खेलता है क्या? कीचड़ के साथ कीचड़ से खेलते हैं। वो कहा है ना, कोनो और ना ही खेलता होगा ऐसा होली, लेकिन हम तो खेलते हैं लड्डू के भैया। कहा है कि पूरा एक छो साल इंतजार करते हैं त्योहार का, और वो को भी ढंग से ना ही खेले तो अंगूरे, अंगूरे। हाय डियर डैडू, अपन नाम कर रहे डैडू। जी दे रहे मेरी बच्ची, खुश रहे खुश रहे। हाय दिया, इक्का हुआ ही, कौन रंग लगा दिया आपको? अरे क्या बताऊं तेरे को बिटिया रानी, बड़े बदतमीज लौंडे हैं तुम्हारे एरिया के, बहुत मतलब उम्र का तकाजा ही नहीं है, लिहाज ही नहीं करते बुजुर्ग आदमी का। पिछली गली वाले लड़के ना? अरे हाँ बेटा, वही हजार बार समझाया कि भाई देखो मैं होली बोली नहीं खेलता, मुझे रंगों से एलर्जी है, लेकिन नहीं सुना होली है बल्कि पूरा मुंह रंग गया, ऊपर सर पे भी लगा दिया। आई दी हमरे डैडू, वो कहा है ना, वो एक बार अम्मा जी को भी तालाब में डाल दिए थे। कच्चा बनियान की माँ ऐसे ही पकड़े हैं उनको, उठा पाए थे वो? हाँ, वो सब मिलकर उठाए और अम्मा जी को तालाब में डाल दिए। बड़ी हिम्मत है। अच्छा बेटा, मैं जरा हाथ मुंह धो के आता हूँ, तुम तब तक चाय बनाओ। है कच्चा बनियान कहाँ है? वो कच्चा बनियान बेच रहे ना, मतलब खोके पर है डैडू, साफ पर। काम पर है? अरे वाह, काम भी करता है। नहीं आया बेटा, हाथ मुंह धोकर। हाँ ठीक बा, हम चाय बनाते डैडू। हेलो, सुनो, वो कहा है कि डैडू आ गए हैं, उनका स्वागत बहुत अच्छे से करना है। ठीक बा। ओहो, हाथ मुंह धो के अच्छा लग रहा है भाई अब तो। अंगूरे आ जा बेटा। ई लीजिए डैडू। थैंक यू मेरी बच्ची, थैंक यू। देख कहीं मुंह पे रंग तो नहीं रह गया मेरे? नहीं नहीं, एकदम सब
बजट हुई गवाह है। अच्छा अच्छा डैडू। हाँ वो हम का पूछ रहे हैं कि आपका बिल्कुल भी रंग नहीं खेलते हैं। अरे बेटा इस बुजुर्गी में काहे की होली, कैसा रंग, जब जवान थे तो खेला करते थे, जम के खेलते थे। वो तो हमको पता है, एक बार मम्मी बता ही रही हमको आपकी जवानी के होली के किस्से। हाय दिया। अरे बेटा मैं तो गांव में कंदी वाली होली होती वो खेलता था। अरे मेरा तो खौफ था, पूरे गाँव में मेरा खौफ था। जैसे गब्बर का खौफ नहीं था, ऐसे मेरा खौफ था। अगर कोई औरत साफ सुथरे कपड़ों में निकलती थी ना तो लोग कहते थे बहन बहन अंदर चली जा, घर में चली जा, वरना भूरे आ जाएगा और जाने तुझे कहां कहां रंग लगा जाएगा। आ, लेकिन अब आप होली का ना ही खेलते हैं। बेटा मैंने बताया ना मुझे एलर्जी हो जाती है। हाँ, नहीं, लेकिन मजाल है, कोई मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे रंग लगा दे, नेवर। अच्छा ये तो बहुत अच्छा बात है। हम कहा सोच रहे डैडू, ये बात पे हम आपको एक ठो गिफ्ट देना चाहते हैं। गिफ्ट? मतलब गिफ्ट? पागल है क्या तू? मेरी बच्ची है, मुझे तुझे गिफ्ट देना चाहिए बेटा। कहा डैडू, आप तो हमको इतना सारा गिफ्ट दिए हैं, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना एक आध ठो गिफ्ट आपको भी हम दे। आप यही रुकिए, हम अभी आते हैं। अरे बाप रे, इसमें क्या है भाई? आप सर पे राइज है, खोली? खोलू? अच्छा भाई ये ले। नाचे नाचे नाचे। क्या है? अब बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है डैडू। अरे बेटी को सब माफ है, सब माफ है, जो मर्जी कर ले भाई। लेकिन ये अरे अंगूरी, बुरा न मानो होली है। अरे बुरा क्यों ना मानू, ये रंग नहीं है तो गोबर है। क्या बुरा ना मानो होली है, बुरा रंग तो लगा रहा था ना, गोबर को भी लगाता है क्या? विभो, विभो कितना टाइम लगता है तैयार होने में? 2 घंटे से तैयार हो रहा है, इतना टाइम तो औरतें भी नहीं लेती हैं तैयार होने में। पता नहीं क्या गले में जो है वो टाई बांध रहा है या घंटा लटका रहा है। आपके खानदान का चश्मा चरा गया ना चाचा जी? बहू एंगा बता, हर बात में तू मेरे खानदान का जिक्र क्यों करती है? ऑब्वियसली चाचा जी, विभो आपके खानदान का है तो आपके खानदान का ही जिक्र होगा ना, महारानी विक्टोरिया के खानदान का तो जिक्र होगा नहीं। हाँ ये भी बात है। विभो बैठ गया। विभो मैंने बहुत मुश्किल से मिस्टर भरत पंबानी को मनाया है, हाँ वो आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम प्लीज 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 चले जाओ ना आज। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं जाना नहीं चाहता, तुम मुझे फोर्सफुली जबरदस्ती भेज रही हो। बेबी आई वांट टू गो आउट, आई वांट टू वर्क, मैं काम करना चाहता हूँ, पैसा कमाना चाहता हूँ, एंड आई वांट टू बी यूजफुल फॉर द सोसाइटी। वाओ बिग प्लान्स हैं काफी। वाओ तो रोका किसने, जाओ। तुम बोल रही हो कि बाहर निकलते ही भाभी जी उनका गैंग मुझ पर अटैक कर देगा कीचड़ से। मैं जानती हूँ मेरे, लेकिन मैं मिस्टर भरत बंबानी को ये एक्सक्यूज नहीं दे सकती ना, वो उल्टा हमें ही बेवकूफ ठहराएंगे कि कैसे हम अजीबोगरीब से रीजंस दे रहे हैं उन्हें। Can you eat softly, touch, please? Sorry. मैं समझता मानू, आई अंडरस्टैंड, लेकिन भाभी जी को कौन समझाएगा? अबे तू बातों का बादशाह है, फिर जाके सामने वाली बॉडम बहू का ब्रेन वॉश कर दे, और क्या? ब्रेन वॉश करने के लिए ब्रेन भी होना चाहिए पार्टी के पास। देखो वो बोलने का मौका नहीं देती, जैसे बाहर निकलो वो अटैक कर देती है कीचड़ से और रंगों से। देखो वैभव मैं कुछ नहीं जानती, मैंने सेकंड टाइम मिस्टर भरत से रिक्वेस्ट की है, अगर इस बार तुम नहीं गए ना तो मेरी इज्जत का कूड़ा करकट हो जाएगा। तो एक काम करो, मुझे पैसे दो। क्यों? मैं एक हेलीकॉप्टर बुक करता हूँ, हमारी छत पे वो लैंड करेगा, मैं उसमें बैठूंगा, उड़ जाऊंगा, इंटरव्यू देके आ जाऊंगा, सिंपल। क्यों ले
रहा है पंगे यार, सुधर जाना थोड़ा। मैं क्या कह रहा हूँ सुन, जा 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 और जरा कलाबाजी खाते हुए जाइयो, जिससे सामने वाली मोड़म बहू का निशाना तुझ पे ना लग सके। रास्ता क्लियर है बेटा, खिसक ले। अगर मुझसे बदतमीजी की ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, हटो यहां से। भैया चूस भी, भैया हम कहो बदतमीजी नहीं कर रहे भैया, वे बोलते सेठ बड़ा सीरियस मामला है। अबे क्या हो गया बे? भैया 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 अंगूरी भाभी सीढ़ियों से गिर के फिसल गए भैया, उनके पैर में गंभीर चोट आ गई रे। मुझे तो लग रहा है, भाभी जी के पैर की ना हड्डी चटक गई। भाभी जी, अब भरभूति जी, मम्मी कैच। अब तेरा क्या होगा भरभूतिये? चाचा जी बार बार दरवाजे की तरफ क्यों देख रहे हैं? नहीं नहीं मैं देख रहा हूँ कहीं खिचड़ू वापस तो नहीं आ गया। क्यों वापस आएगा वो? नहीं हो सकता है कि सामने वाली मोड़म बहू ने उसके साथ होली खेल ली हो। अरे क्यों खेलेंगे होली, एक आदमी के साथ एक ही बार होली खेली जाती है, बार बार नहीं। अरे भाई ये तो कोई नियम नहीं है कि एक आदमी के साथ सिर्फ एक ही बार होली खेली जाए। हुई 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 हुई।
चार्ज ठीक कह रहे हैं, ऐसा कोई नियम नहीं होता कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ एक बार ही होली खेल सकता है। यहाँ तो बार बार होली खेली जा रही है, लगातार होली खेली जा रही है। और ये देखिए, और भाभी जी उसका एक लिविंग एग्जाम्पल है। ओह माय गॉड, डोंट टेल मी। आई एम नॉट टेलिंग यू, यू कैन सी, इट्स राइट हियर ऑन योर फेस। ओके, ओह आई एम सॉरी चाचा, आई एम वेरी सॉरी। तुम कहना चाहते हो कि ये होली तुम्हारे साथ अंगूरी जी ने खेली है? उन्होंने फोर्सफुली मेरे साथ ये होली खेली है, और होली नहीं खेली उन्होंने, मेरे साथ खेला खेला है, खेला। सॉरी चाचा, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। वे वो कहीं ऐसा तो नहीं कि अंगूरी जी के बहाने तुम खुद अपने आप को ये रंग के चले आ रहे हो? What are you saying यार, मैं क्यों रंगूंगा अपने आप को यार? Give me one good reason. Reason is quite simple. Job से बचने के लिए. Oh come on Anu, मैं ये job करना चाहता हूँ तुम्हारे तंज और तानों से बचने के लिए। अच्छा, तंज और तानों से बचने के लिए या society के लिए useful होने के लिए? Of course society के लिए भी यूजफुल होना चाहता हूँ, और जब मैं जॉब करूंगा तो फिर पैसे भी कमाऊंगा। अब उसके लिए इंटरव्यूज तो देने पड़ेंगे ना, अब मेरे पिताजी की कंपनी तो है नहीं कि बिना इंटरव्यू दिए तुम्हें जॉब मिल जाएगा। यार मैं जा तो रहा हूँ, एवरी टाइम आई एम गोइंग विद अ फ्रेश माइंड, पॉजिटिव एनर्जी, लेकिन रास्ते में कितनी रुकावटें आ रही, कांट यू सी? नहीं, रुकावटें तो आएंगी ही, ये प्रकृति का नियम है। तुझे अपनी दूरी तय करनी होगी, अपनी मंजिल तक पहुंचना होगा। चाच, प्रीच व्हाट यू प्रैक्टिस। आप भी काफी उम्र से अपनी मंजिल तलाश रहे हैं, कोई मंजिल मिली है आपको? ये ज्ञान बांटना बड़ा आसान है, ऐसे लोगों को मैं ज्ञानेंद्र कहता हूं। बाय द वे, यू आर सेइंग समथिंग। तुम एक काम करो, फटाफट आधे घंटे में वापस से रेडी हो जाओ, मैं मिस्टर भरत बंबानी को फोन करती हूँ कि वो प्लीज तुम्हारे लिए थोड़ी देर वेट कर ले, और तुम जाओ इंटरव्यू दे के आओ। और फिर अगर रोक लिया तो? नहीं, उसका मैं कुछ इंतजाम करती हूँ, आई विल डू समथिंग अबाउट इट। इसे कहते हैं जूता भिगो भिगो के मारना। कम ऑन चार्ज, में आपने भी काफी होली खेल ली है, नॉट बैड। मैं जरा फ्रेश नप होके आता हूँ। प्लीज गेट रेडी। एक्सक्यूज मी चार्ज। हेलो अप्पू सिंह जी, अरे अरे सांसें क्यों फूल रही हैं आपकी? व्हाट, अब जिम कर रहे हैं? ओह गॉड, एनीवेज सुनिए अप्पू सिंह जी, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। अप्पू सिंह जी, आप मक्खनबाजी करना बंद कीजिए और मुद्दे की बात सुनिए। आप फौरन मेरे घर चले आइए, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। नहीं, जल्दी है मुझे, आप कैसे भी आइए, उड़ते हुए चले आइए, कैसे भी चले आइए, बस चले आइए। नहीं नहीं, वर्दी की भी ज़रूरत नहीं है, आप जैसे वैसे आइए। नहीं मतलब कपड़े पहन के आइएगा। जी जी, ओके। गॉड, ये एक और नमूना है कानपुर का। यार वो बदबू सी आ रही है यार। अच्छा हाँ, बदबू सी आ रही। हाँ। एक कान के नीचे दूंगा बावड़ी, ये कीचड़ रखी इसकी बदबू आ रही है। अरे सारे ये वाली बदबू ना, सारे वो पुरानी वाली बदबू। अच्छा वो यही नाना भैया हो रही। लाल जी तुम बताओ यार, होली को कब प्रोग्राम है? सही कह रही है, तो तू वही बदबू आ रही है। जो धी के लटर दिए संभल आने ना, अरे दादा ऐसी सारू बांध के धर दो, होली को मजा ही ना ले पाए। अबे यार रुक गया यार, वहां पर सक्सेना के यार, होली में सारू जो चिरांद फैलाए, जो बदतमीजी करे, बाको सारे को सीधो हवालात में डारो। अब बताओ कहाँ से खेले होली, मन तो बहुत है तू। हम आओ सुनो, होली ऐसो त्योहार है सारू, को ना चाहे बिल्कुल मन ना करे अपने आप हो जाती है। तो सुनो वो सब छोड़ो, तुम तो जो बताओ हमें होली में का गिफ्ट भिजवा रहे? नौ नौ टैया खेल रहे, भिजवाओ ना तो
भूल गए तुम्हारी साली को हमने जमानत दिलवाई थी, हैं? छुड़वा दो तू ना, करा दियो यार। अरे 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 ए अरे ओ दादा, अरे मर गया, अरे दादा। कौन सारू बदतमीज है, हैं? पिलाने गरी के सारू नीचे कीचड़, ऊपर से भी कीचड़ की बरसात हो रही, हमें तो पंजीरी बांट रहे। अरे यार पूरा गिज गिजा रहा हूँ सारू, गीलो गीलो कर तेरे।